हे गाइस, सिंथेटिक्स मसल को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप बताने वाला हूं कि जो आपके रियर रिसर्च में टीएनसी पड़ी है, आप उसको कैसे बैंक अकाउंट में लें। आपके पास भी बहुत सारी टीएनसी पड़ी होगी, इसके लिए आपको अगर इसको विड्रॉल करना है तो आप किसी यूट्यूबर से या फिर टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट करते हो। बट यहाँ पे मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि अगर आप खुद से इसको विड्रॉल करना चाहोगे तो कैसे करोगे। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दो, ज्वाइन नहीं करा टेलीग्राम चैनल को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी ऑफर होता है, बग होता है, ट्रिक होता है, देखने को मिलता है। 24 घंटे ऑफर्स के अपडेट आते हैं। सस्ते में शॉपिंग करना है तो भी ज्वाइन कर सकते हो, दिन भर डेज देखने को मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बताते हैं क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए देखो, आपको 3-4 एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपका जो रियल रिसर्च है जिसके अंदर आपकी टीएनसी पड़ी है, इसके साथ ही आपको एक हॉटबीट एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। उसमें थोड़ा केवाईसी वगैरह करना होता तो वो आप कर लेना। इसके साथ यहाँ पे हम कॉइन स्विच का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप जेप पे का यूज कर सकते हो। कॉइन स्विच का मैं इसलिए नहीं करने वाला क्योंकि कॉइन स्विच में बहुत सारी प्रॉब्लम चलती है, जैसे कि इंडियन विड्रॉल जो उसमें है वो हट जाता है कुछ टाइम के लिए, या फिर अभी जो है वो टीआरएक्स एक कॉइन होता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है उसमें हमें अपने टीएनसी को टीआरएक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, टीआरएक्स को बैंक अकाउंट में लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जेप पे का यूज कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जेप पे के अंदर भी आपको केवाईसी करनी पड़ती है, तो आप वहां पे केवाईसी कर देना, पैन कार्ड वगैरह देके आपका अकाउंट वहां पे सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको ये अलग प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो आपका रियर रिसर्च है, इसके अंदर आपकी जो टीएनसी पड़ी है उसको आपको किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, मीन्स कि आपको हॉटबीट वाले अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हॉटबीट की एप्लीकेशन ओपन करो, साइन अप वगैरह करो। साइन अप करने के बाद यहाँ पे अगर आप इसके लास्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है डिपोजिट का। जैसे ही डिपोजिट बटन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे ऊपरी साइड आप टीएनसी दिख जाएगी या फिर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। टीएनसी का आपको एक एड्रेस मिल जाएगा, ये जो एड्रेस है मेमो होता है और उसका जो हॉटबीट करके होता है ये इसका एड्रेस होता है। तो आपको ये जो एड्रेस है इसको कॉपी करना है, मींस की अपना जो है रियल रिसर्च ऐप ओपन करो, ट्रांसफर बटन पे क्लिक करो या फिर सेंड मनी सेंड पे क्लिक कर सकते हो। करने के बाद जो आपका जो एड्रेस वहां पे दिया पड़ा है टीएनसी का हॉटबीट के अंदर, वो एड्रेस आपको देना है। जैसे एड्रेस देते हो आपका जो है आप जितनी टीएनसी पड़ी उतनी ट्रांसफर करो। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका रियल रिसर्च ऐप है ये 10 टीएनसी चार्ज करता है ट्रांसफर करने का, तो ज्यादा अमाउंट रहे तभी ट्रांसफर करना। अगर आपका 10 रहेगा तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, 20 रहेगा तो 10 वैसे ऑटोमेटिक यहाँ का इनका ट्रांसफर फीस लगता है, तो उस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे जितना भी मेरे पास यहाँ पे टीएनसी पड़ी है इसको मैं सेंड कर देता हूँ इस एड्रेस पे। जैसे हम इस एड्रेस पे सेंड करते हैं आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद हॉटबीट के अंदर देखोगे फंड वाले सेक्शन में, तो आपका जितनी भी मतलब कि आपका टीएनसी है यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ पे जैसे आपका टीएनसी हॉटबीट में रिसीव हो जाता है, अब टीएनसी को आपको बिटकॉइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो है मार्केट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टीएनसी बिटकॉइन वगैरह सर्च करोगे, बिटकॉइन में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो आपकी टीएनसी पड़ी थी उसको आपको सेल करना है। सेल करने के बाद आपको जो वहाँ पे बिटकॉइन बाय कर लेना। जैसे ही बिटकॉइन बाय करते हो तो आपकी टीएनसी है वो बिटकॉइन में कन्वर्ट हो गया। अब बिटकॉइन में कन्वर्ट होने के बाद हमें इसको अब टीआरएक्स में कन्वर्ट करना है। टीआरएक्स में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा मार्केट के ऊपर क्लिक करोगे। मार्केट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है टीआरएक्स। टीआरएक्स जैसे सर्च करते हो टीआरएक्स स्लैश में आपको बीटीसी दिखता है, तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, आपको बिटकॉइन से टीआरएक्स को बाय करना है। तो यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक करोगे। बाय बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी जितना भी आपके पास बिटकॉइन पड़ा है उसे आपको टीआरएक्स बाय कर लेना है। अब आपको क्या करना है, अपना जो है बिटकॉइन दे के यहाँ पे टीआरएक्स को बाय करना है। जैसे टीआरएक्स बाय कर लेते हो आपको यहाँ पे देखो कई बार तो यहाँ पे पेंडिंग में चला जाता है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपका जो ऑटोमेटिक वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जैसे ही आपको वहां पे सक्सेसफुली आपका दिखा देता है आपका वो जितने भी आपका जो आपका टीएनसी थी आपने उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट करा, बिटकॉइन के बाद आपने उसका टीआरएक्स ले लिया, आपको यहाँ पे टीआरएक्स शो करता है। अब ये जो टीआरएक्स है आपको इसको विड्रॉल करना है। विड्रॉल करने के लिए आपको इसको किसी और वॉलेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे कॉइन स्विच का भी यूज कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, पर कॉइन स्विच में बहुत सारी दिक्कतें चलती रहती हैं, तो इसलिए मैं कॉइन स्विच आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। कॉइन स्विच की अच्छी बात यह है कि जैसे अगर आप इसमें विड्रॉल लगाते हो तो आपको जो इंस्टेंट पेमेंट मिलती है। जेप पे में क्या है कि जैसे आज विड्रॉल लगाते हो तो आपको 2-3 दिनों के अंदर पेमेंट मिलती है, बट वहां पे भी मिल जाती है, टेंशन की कोई बात नहीं, मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जेप पे को लेने वाला हूँ, कॉइन स्विच वर्क कर रहा है तो कॉइन स्विच को लेना वो ज्यादा ठीक है क्योंकि उसमें आपको इंस्टेंट पेमेंट मिलती है। तो अभी वर्क नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे जेप पे को ले रहा हूँ। जेप पे को जैसे ओपन करते हो यहाँ पे आपको जो बहुत सारी आपको क्रिप्टो करेंसी का एड्रेस दिखता है, अब आपको क्या करना है कि टीआरएक्स को देखना है, टीआरएक्स जो है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है टीआरएक्स का एड्रेस लेना है। एड्रेस लेने के बाद जैसे आपने टीआरएक्स का एड्रेस ले लिया, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे टीआरएक्स का एक एड्रेस मिल गया। इसी एड्रेस का यूज करके हमें जो है हॉटबीट से टीआरएक्स को विड्रॉल करना है। तो आपको यहाँ पे दोबारा क्या करना है, हॉटबीट की एप्लीकेशन ओपन करना है। अब यहाँ पे फंड वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका
विड्रो का। विड्रो बटन पे जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे आपकी करेंसी आ जाती है, तो यहाँ पे भी आपको सर्च कर लेना है TRX। TRX जैसे सर्च करते हो आपको जो TRX मिल जाता है और जितनी आपके पास वैल्यू पड़ी है TRX की वो सारा एंटर कर दो। देन एड्रेस में जाओगी तो यहाँ पे आपको जो है जो आपका ZPay का एड्रेस था TRX का वो एड्रेस आपको देना है, और उसी एड्रेस पे जितने भी आपके पास यहाँ पे TRX पड़ा है सब आप विड्रॉ कर दो। तो यहाँ पे जैसे जाओगे विड्रॉ करने के लिए तो सिम के ऊपर और मेल के ऊपर दोनों पे यहाँ पे एक OTP आती है, OTP एंटर करो, सक्सेसफुली आपका विड्रॉ हो जाता है। जैसे हो जाता है आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपका ZPay के वॉलेट में दिख जाएगा कि आपको इतने TRX यहाँ पे रिसीव हुआ है। वो जो TRX है अभी आपका ZPay में TRX आ गया, उसी TRX को आपको सेल करना है। सबसे पहले TRX को सेल करोगे, अभी प्राइस आप दे सकते हो इसकी कीमत 2.3 2.2 ऐसे वैरी करती रहती है। इसको आप सेल करो, सेल करने के बाद ये जो पैसा है ZPay के वॉलेट में आता है, इसी वॉलेट के पैसे को आपको बैंक अकाउंट में लेना है। बस सिंपल है, विड्रॉ बटन पर क्लिक करो, ये जो पैसा है आपका विड्रॉ हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, अभी तो आपको काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस लग रहा होगा, इसका रीजन है कि अभी आपको नहीं पता, लेकिन जैसे आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसे ऐसे है तो आपको बिल्कुल सिंपल प्रोसेस लगेगा और आपको भी मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगा ये प्रोसेस कंप्लीट करने में। तो गाइज ये था पूरा वीडियो की जो आपकी TNC पड़ी है उसको कैसे बैंक अकाउंट में ले। वीडियो में काफी पहले बना सकता था बट काफी ज्यादा अभी मैसेज आ रहे हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि अब इसको ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आप जो है इसको एंजॉय करो, और रियल रिसर्च एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा तो अभी डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छे सर्वे आते हैं और यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको TNC मिलती है। एक सर्वे के आपको 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए ऐसे मिलते हैं, तो एक बार आपको रियल रिसर्च एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना चाहिए, अगर नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया पड़ा है। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपको जो है बेस्ट लूट यहाँ पे देखने को मिले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग ऑफर्स के साथ।